नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर आज का मुद्दा। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राजद दिग्विजय सिंह लाहार पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, सेवड़ा विधायक कुंवर घनश्याम सिंह, गोहद विधायक मेवाराम जाटव एवं इंजीनियर फूल सिंह, बरैया भारत सिंह को पूर्व लोकसभा प्रत्याशी देवासी जरारिया नेता लाहार पहुंचे हैं, और जहां पर उन्होंने पर्राच, अजनार और गिरवासा गांव का दौरा किया है, लोगों से मिले हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की आज बात करें तो आज आपको सुनकर भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम सीधे तस्वीर आपके जन अदालत न्यूज पर आपको हम पर्राच की दिखाएंगे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब पर्राच में खुले आसमान के नीचे बरसाती में रह रहे उन लोगों की तरफ देखा तो जिस तरीके से भूख और प्यास के लिए जो बच्चे तरस रहे हैं वो खुलकर तस्वीरें सामने आईं और खुलकर दिग्विजय सिंह के सामने उन महिलाओं ने खुलकर के कहा। जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही स्पष्ट सामने उजागर होती है, लोग प्यास के लिए मर रहे हैं। और इसके साथ साथ पर्राज की हम वो तस्वीरें में आपको दिखाएंगे आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, जहां पर वो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं और जहां पर मध्य प्रदेश शासन अच्छे पोषण की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भोजन की बात करता है, लेकिन बात करें तो आज भोजन पानी के लिए तो आज जिस तरीके से वो तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनकी ये तड़प निश्चित रूप से ये तस्वीरें सामने आती हैं कि सरकार पूर्ण रूप से यहाँ पर निष्फल साबित हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री राजद दिग्विजय सिंह ने उनके परिजनों से, बाढ़ प्रभावित लोगों से जब मुलाकात की तो खुलकर दर्द सामने आया है। खुले आसमान के नीचे रह रही उन बाढ़ प्रभावित महिलाओं ने सीधे दिग्विजय सिंह से मांग की है कि हमें तत्काल ही जो है मुआवजा राशि के लिए हमारे आशियाने बनाए जाएं और इंतजाम, पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये मांग की है कि कॉलोनी निर्मित की जाए जिससे उनके पक्के मकान बनाए जा सकें, तत्काल के उनके रहने की व्यवस्था की जाए। और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि आज प्रशासन की लापरवाही के चलते जहाँ मोदी सरकार ये बात करती है कि हम अच्छे दिल लाएंगे, आज जिस तरीके से जनता पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, ये समझ में आ गया है कि मध्य प्रदेश की जनता मोदी सरकार को अब कभी माफ़ करने वाली नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जो समाज सेवी है उनकी खुलकर तारीफ की है, क्योंकि समाज सेवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोगों की मदद कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करने में अपना सहयोग कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लाहार विधायक गोविंद सिंह के साथ अजनार, पर्राच, गिरवासा गांव पहुंचे हैं, जहां पर कुछ जगह पर वो मोटरसाइकिल वाहन से भी पहुंचे हैं, जहां पर पर्याप्त जहां पर साधन नहीं थे। तो जिस तरीके से आज तस्वीरों जो बयां कर रही हैं, जो हालात आपको हम दिखा रहे हैं, एक तरीके से देखे जाए खुले आसमान के नीचे बरसाती में रहने को मजबूर, जिस तरीके से इनके भूखे प्यासे बच्चों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्पष्ट सामने आता है कि प्रशासन घोर लापरवाही कर रहा है। वहीं लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहार विधानसभा क्षेत्र के गिरवासा, अजनार और एवं पर्राच के लोगों को भरोसा दिलाया कि हर संभव पूरी मदद की जाएगी। और वहीं उन्होंने शासन से 2.5 लाख मुआवजा राशि की मांग की और साथ ही उन्हें आवास के लिए कॉलोनी निर्मित करने की भी बात यहां पर की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह यादव, भारत सिंह भी सेवड़ा पहुंचे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इसको हमने मांग की है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, जिसका भी बांध हमारे यहाँ पे बाढ़ आई है, और जब राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है तो एक सरकार से अलग से पैसा दिया जाता है और उनसे हम कहेंगे क्या बाकी जिलों में जब बाढ़ नहीं आई है वहां का कोटा आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जिले से ट्रांसफर करके इन जिलों में दो, ताकि यहाँ के लोगों के मूल रूप से मणिखेड़ा, मौनी सागर और हर्षित बांध में आई बाढ़ के कारण ढाई तक हुआ। जब मालूम था कि बारिश बहुत होने वाली है तो सिंचाई विभाग शिवपुरी के अधिकारी कर्मचारी सोते क्यों रहे? सिंचाई विभाग के अधिकारी क्यों नहीं उसके अंदर उन्होंने कार्रवाई की? जब मालूम था कि अतिवर्षा हो रही है तो एक एक गेट खोलते, एक खोलते, दो खोलते, तीन खोलते, धीरे 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 खोलते तो ना बाढ़ आती ना यहां पर ऐसी आपदा आती। पूरी जवाबदारी सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की है
और इसकी शासन से मांग करते हैं कि उनका पूरी पूरी जांच के लिए और दोषी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। सोचते रहे, सरकार का नियम है ऐसे प्रकरणों में तत्काल राहत देना चाहिए। तत्काल राहत का मतलब है कि दूसरे दिन तीसरे दिन से पैसे बंटना शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 12 तारीख तक श्योपुर में न तो अनाज बटा था, ना सर्वे पूरा हुआ था, ना पैसे बटे थे। मैं बधाई देता हूं समाज सेवियों को, राजस्थान के समाज सेवी पूर्ति बरिया जी मेरे पास बैठे हैं, वहां के मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर उनका खाना भेजा। इतने इतने पानी में जाके बेचारों ने खाना पका भोजन दिया, अनाज बांटा, कपड़े बांटे, जूते चप्पल बांटे। ये सरकार सोती रही, समाज से भी जागृत हुए, बिना कहे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और राहत पहुंचाई। जबकि सरकारी नियम ये है कि जहां ऐसी बात हो जाए तत्काल उनको शासकीय भवनों में शिफ्ट करना चाहिए और पूरा दोनों टाइम का भोजन उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, और इसके पैसे मौजूद हैं, जिला कलेक्टर के पास मौजूद है, उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन श्योपुर में, शिवपुरी में, ग्वालियर में और आज में भिंड में हूं, पूरे तरीके से भोजन की व्यवस्था सरकार ने नहीं की, समाज सेवियों ने की, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से बंटवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे गांव का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। कोई मोदी जी का, शिवराज सिंह चौहान का पैसा नहीं बांट रहे हो जो मंडल अध्यक्ष जाके बांटेगा। ऐसी कोई शिकायत आई तो हमारा विरोध सहना पड़ेगा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को, समझ लो। ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है, तुम्हारी भाजपा के का पैसा नहीं है, ये समझ लेना चाहिए प्रशासन को। इस बात में हम लोग सहन नहीं करेंगे। विधानसभा चलने नहीं देते, संसद चलने नहीं देते, चर्चा ना करें तो क्या करें? सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर उतरकर इस पर अधिकारी कर्मचारी घेराव करेंगे, मजबूर करेंगे इनको सरकार की राहत राशि बांटने के लिए। क्या समझ रखा है लोगों? मैं यहां कहने के लिए आया हूं कि आप निश्चिंत रहे, हमारी लड़ाई जनता के लिए हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी, कल भी रहेगी और परसों भी रहेगी। कभी तबाही हुई 71 में, आप बताते हैं बहुत पानी आया था, 71 के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी इतनी आई हो, लेकिन इस बार तो बाढ़ आई नहीं, ये सरकार की लापरवाही मक्कार के कारण आई है। और अकेले लाल क्षेत्र में करीब गांव बर्बाद पूरी तरह से हुए हैं, कुछ आधे हुए हैं, कुछ आंशिक है, लेकिन ज्यादातर बर्बादी के गांव हैं। लाल क्षेत्र में यहाँ से लेके मेहदा घाट तक सबसे ज्यादा तबाही हुई है लिपसाई, दूसरे नंबर पे रिद्रुखी, और यहाँ पे जो हमने जो कार्यक्रम रखा है यहाँ पर सबसे ज्यादा गाँव है, जो तो पंचायत मुख्यालय है, चार गांव पंचायत में या 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद वो गांव है। दौर में 125 घर अभी पटवारी ने उन्हें बताया कि 125 घर गिरे हैं, उसमें करीब 20-25 घर तो बिल्कुल बचे ही नहीं, रहने लायक नहीं है, थोड़े बहुत भी कच्चे मकान नहीं बचे। यहाँ भी करीब 19 पूरी तरह से गए रहने लायक नहीं है, लेकिन कुछ आधे हैं, कुछ बड़े जो पक्के मकान दिख रहे हैं ऊंचाई पे कई बचे हैं। जो नीचे वाले मकान है उनमें ना तो खाना, आदमी एकदम अचानक आए, पानी बढ़ता गया, न कपड़े निकाल पाए, न अनाज निकाल पाए, आधा वहाँ जाना मुश्किल है। अगर आप अंदर जाओगे गाँव में जहाँ उनके मकान गिरे हैं, इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि वहाँ एक मिनट रहना मुश्किल है। सरकंडा जितना था, सरसों था, गेहूं था, पूरी तरह से सड़ चुका है। आपकी जनता न्यूज हरदा महोत्सव के साथ खड़ा है।
हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के नियमित सदस्य बनने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है।